सुपरफास्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है फिरोजाबाद से, जहां पर हाथवंत ब्लॉक के बरौनी बूथ से बोट वॉक्स लेकर भागने का मामला सामने आया है। और तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए आप तालाब में ये मतपेटी नजर आ रही है। यहां से प्रधान प्रत्याशी नेहा यादव के समर्थकों ने मतपेटी को लेकर बरौनी बूथ से फरार हुए और बॉक्स को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि SP ग्रामीण ने जानकारी दी है कि पकड़े गए लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, तालाब में मतपेटी जो आपको नजर आ रही है ये एक पक्ष के समर्थकों के द्वारा अंजाम दिया गया है। पोलिंग बूथ से इस मतपेटी को पहले लूटा गया और उसके बाद इसे तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस ने कहा है कि लोगों को जो गिरफ्तार किए गए हैं 7 लोग, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। SP ग्रामीण ने ये जानकारी दी है। फिरोजाबाद से खबर, परमेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता। परमेंद्र, तस्वीर हम देख पा रहे हैं मतपेटी है तालाब में और हिरासत में 7 लोग, क्या जानकारी पूरी? निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरह से ये अब जब बिल्कुल समय अंतिम आता जा रहा था, जिस तरह से और उस तरह से ये संवेदनशील जिला जिस तरह से था, उसी तरह के रिजल्ट अब सामने को आए हैं। जिस तरह से मैंने देखा है, अभी हमने देखा है कि हाथवंत ब्लॉक का ये गांव है बरौली, जहां पर बूथ संख्या है 86, तो यहां से जो नेहा यादव जो प्रत्याशी थी प्रधान की, उनके समर्थक आए कुछ और पहले तो लोगों से हाथापाई की और उसके बाद मत पेटी उठाकर ले गए और उसे तालाब में फेंक दिया जा गया। हालांकि अभी पूरा अमला पूरा फोर्स यहां पर मौजूद है, DM SP दोनों यहां मौजूद हैं और 8 लोगों को गाँव में से जब गश्त दी है तो उसके धरपकड़ से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब ये अभी पूरी तरह से वोटिंग जो है वो पूरी तरह से बंद रुक गई है, अभी वोट नहीं है क्योंकि यहाँ तोड़फोड़ भी काफी की गई है, कुर्सियां वगैरह भी तोड़ी गई हैं, तो निश्चित तौर पर फोर्स अब यहाँ मौजूद है और अभी भी चुनाव रुका हुआ है। जी, तो चुनाव आगे अब आधा घंटा तो बचा है, क्या दोबारा शुरू हो पाएगा और क्या यहाँ पर पुनर्मतदान किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? और जो प्रत्याशी के समर्थक थे, क्या इन 8 में से प्रत्याशी भी शामिल है या उनके समर्थक ही हैं सारे? क्योंकि प्रत्याशी तो यहाँ मौजूद थी वो नेहा यादव जिस तरह से, और उन्हीं के सामने ये उनके जो समर्थकों ने किया था, तो निश्चित तौर पर पुलिस अब उन्हीं पे ये पूरी का पूरा जो वो है, क्योंकि मैं हमसे जब SP ग्रामीण से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि NSA की कार्रवाई होगी, लेकिन आगे की यदि मतदान की हम बात करें तो अब शायद नहीं लगता कि अब मतदान शुरू होगा, क्योंकि अब ये फैसला जिला निर्वाचन अधिकारी को लेना होगा कि यहाँ पुनर्मतदान कब कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से मतपेटी लूट कर और तालाब में फेंक दी गई थी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पुनः मतदान होगा। अब ये कब होगा और कैसे डिसीजन लेते हैं ये जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो तय करेंगे, लेकिन अभी पूरी तरीके से चुनाव यहाँ खत्म हो गया, बंद हो गया है और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका परमेंद्र जानकारी के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, यहाँ पर एक प्रत्याशी के समर्थकों ने पोलिंग बूथ से अंदर उसके घुस के मतपेटी को लूटा और फिर तालाब में फेंक दिया है। 8 लोग हिरासत में हैं।